प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्था शिव साधना धाम पिछोर दिमा नंजू कॉलोनी पर पहुंचे। पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी सम्मान समारोह में हुए शामिल। सर्वप्रथम विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में संस्था के वरिष्ठ सदस्य राजकुमारी दीदी ने आए हुए मुख्य अतिथि विधायक प्रीतम सिंह लोधी एवं मंडल अध्यक्ष राहुल राहोरा, जिला पंचायत सदस्य मणिराम लोधी, भाजपा नेता मुकेश भंसारी के सम्मान मंच से किया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्य एवं नगर के लोग मौजूद रहे। विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि आश्रम पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ही सम्मान मिला है। आने वाले साल में जो पिछोर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने जो विश्वास मुझ पर बनाया, उस विश्वास पर मैं कायम रहूं और आने वाले नए साल में नई सोच के साथ विधानसभा क्षेत्र में काम करूं। साधना केंद्र पर आकर जो ज्ञान मुझे मिला है, समय समय पर मैं ये आता रहूंगा और मार्गदर्शन लेता रहूंगा। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। आप पधारे, नव वर्ष में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज यहाँ पर समिति द्वारा आपका सम्मान किया गया, क्या कहेंगे सर? सम्मान तो मेरा किया ही है। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम में आया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पिछला जो भी भूल चूक से कुछ भी हो गया हो, ऐसा लग रहा है उसका शुद्धिकरण हो गया। और कल नव वर्ष आ रहा है, उससे एक नया ही कार्यक्रम शुरू होंगे और एक नई विचार से पिछोर विधानसभा में काम करूँगा। यहाँ का जो इन पर ज्ञान है वो मैं समय समय पर लेता रहूँगा और इनके मार्गदर्शन पर चलता रहूँगा। ये मुझे आज भाग्य से मिला है। साल के लास्ट में कल कदम रख रहा हूँ नए साल में, तो मैं सोचता हूँ नया साल मेरा इनके आशीर्वाद से अच्छा जाए, अच्छे काम करूँ और लोगों की सेवा और बढ़कर करता रहूँ। और पिछोर विधानसभा में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे नेतृत्व दिया है पिछोर विधानसभा ने, मैं उसमें खड़ा हूँ।